हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल में। सो दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसा हिडन फीचर बताऊंगा आपके एंड्रॉयड डिवाइस का जो कि काफी ज्यादा अमेजिंग है। इसके लिए आपको कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करनी होगी। हाँ दोस्तों, ये बहुत ही यूजफुल है। अगर इस सेटिंग को आप जो है ऑफ करेंगे तो आपकी फोन की बैटरी जो है बहुत ज्यादा चलेगी, और ये बिल्कुल ही नई है और इसके बारे में आपको कोई भी नहीं बताएगा, और ये फोन की आपके बिल्कुल ही हिडन फीचर है। तो आपको कहां पे मिलेगा और आपने इसे कैसे ऑन करना है, सॉरी ऑफ करना है, पूरा आपको मैं यहाँ पे डिटेल में बताऊंगा। सो प्लीज इस वीडियो को पूरा देखते रहिए, स्किप मत करना। और दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, क्योंकि जैसे ही मैं कोई और वीडियो डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन जो है आपको सबसे पहले मिलेगा। सो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश कुमार और आप देख रहे हैं आरके न्यूज टेक चैनल। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसे कि आपके पास कोई सा भी डिवाइस रहेगा, MI का या फिर सैमसंग का या फिर कोई और कंपनी जो भी आप यूज करते हैं, तो क्या करना है, आपने जाना है अपने फोन की सेटिंग पे। सो सेटिंग पे चले गए, फिर यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे कि अलग अलग डिवाइस के अलग अलग सेटिंग यहाँ पे मिलती है, लेकिन आपने जाना है एप्स वाले ऑप्शन पे। इस तरह की एप्स वाला ऑप्शन दिखता है यहाँ पे, आप देखते हो एप्स, यहाँ पे कुछ और डिवाइस होगा उसके साथ एप्स या प्लस कुछ और जुड़ा होगा, लेकिन आपने जाना है एप्स वाले ऑप्शन पे। जैसे कि कोई भी ऑप्शन आपके फोन में जो एप्स वाला है, सेटिंग पे जाके जो है आपको मिलेगा, आपने वहां पे जाके जो है क्लिक कर देना है। क्लिक कर दिया, फिर उसके बाद आप बोलेंगे कि यार इसके बाद क्या करना होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटिंग है यहाँ पे जो कि आपने ऑफ करनी है। तो कैसे करनी है दोस्तों, जैसे कि आपके फोन में यहाँ पे जितनी भी एप्लीकेशन आपने इंस्टॉल की है, चाहे वो आपकी सिस्टम की होंगी, चाहे वो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन होंगी, कोई भी जो आपने यहाँ पे इंस्टॉल करके रखी हुई है, और दोस्तों आप नहीं चाहते कि वो आपके बैकग्राउंड में रन करे, तो ये एक बहुत ही टिपिकल सेटिंग है जो कि आपको कोई नहीं बताएगा क्या। जैसे कि मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे निकालता हूँ, जैसे कोई एप्लीकेशन जो बैकग्राउंड में रन कर रही है मेरी, वो मुझे पता है, जैसे कि फेसबुक। तो फेसबुक मेरे बैकग्राउंड में रन कर रही है, लेकिन मैं फेसबुक में यूज ही नहीं करता हूँ, लेकिन जब मेरे को नोटिफिकेशन आएगा तब ये ऑटोमेटिकली इनेबल हो जाएगा, लेकिन मैं फेसबुक जो है मैं यूज नहीं करता हूँ। तो क्या करना है, आपने यहाँ पे बैटरी वाले ऑप्शन पे जाना है। यहाँ देख रहे हैं बैटरी वाले ऑप्शन पे चले गए, बैटरी वाले ऑप्शन पे जाने के बाद आप यहाँ पे आते हैं अलो बैकग्राउंड एक्टिविटी। हाँ दोस्तों, इसको आप ऑफ कर देंगे। जैसे आप इसको ऑफ करेंगे तो क्या होगा, आपके फोन की बैटरी जो है इतनी ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी, मतलब कि आपको यही नहीं, जितनी भी एप्लीकेशंस हैं जो कि आप यूज नहीं करते हैं, सभी को जाके आप यहां से आपने इसे डिसेबल कर देना है। जैसे मैंने फेसबुक को यहां से डिसेबल कर दिया, उसके बाद आप जो भी एप्लीकेशन जो आप यूज नहीं करते हैं और आप नहीं चाहते हैं कि आपके बैकग्राउंड में वो रन करे आपके फोन के और आपकी बैटरी जो है कंज्यूम हो जाए, तो आप उन सभी एप्लीकेशन को जाके जो है बैकग्राउंड जो है उनकी ऑफ कर देंगे। उससे क्या होगा, आपके फोन की बैटरी बहुत ही ज्यादा चलेगी, मतलब कि इतनी ज्यादा चलेगी कि आप बिल्कुल ही हैरान रह जाएंगे, और इस ट्रिक के बारे में आपको कोई नहीं बताएगा। सो मैं आशा करता हूं ये ट्रिक आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, ये था आज का वीडियो। सो बाय बाय, टेक केयर।